हेलो स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि मैं पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूँ। जैसे मैंने फ़िलहाल में कई यूनिवर्सिटियों के पीएचडी के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है, मैं उस पर पीएचडी के से रिलेटेड अपडेट लेके आता रहता हूँ। तो अगर पीएचडी आपका अगर करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। तो चलिए चलते हैं न्यू नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स। देखिए, आपके सामने मैं एक नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ। यह है DDU, जहाँ PhD से रिलेटेड रेट से रिलेटेड अपडेट है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से न्यू अपडेट है। तो इसी के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है कि रिसर्च मैथडोलॉजी का जो 50% का जो क्वेश्चन होगा DDU में, उससे रिलेटेड मैं इसका प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि सर इसके MCQ और रिसर्च मैथडोलॉजी को गोरखपुर यूनिवर्सिटी बेस पे आप बता दीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी को लेकर मैं तुरंत अपडेट लेके आने वाला हूँ। उसमें MCQ भी होगा और रिसर्च मेथोलॉजी डिटेल्स में होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 10 से 15 मिनट के मैं वीडियो बनाऊँगा, छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप भी कम में देखकर और मेन मेन पॉइंट को उसमें हाईलाइट करूँगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिस तरह से उसमें पूछे जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में रहेगा, लेकिन मैं बताऊँगा हिंदी में। तो ये आपके लिए एक अपडेट है, लेके आऊँगा। बहुत से स्टूडेंट का ये डिमांड है, ऑन द डिमांड पर मैं लेके आ रहा हूँ। अब चलिए आपको दिखाते हैं DDU के PhD के एडमिशन के बारे में। तो इसके लिए वेबसाइट पर चलते हैं। तो देखिए, DDU के वेबसाइट पे आ गया, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे, इसकी वेबसाइट पर हम पहुँच गए हैं। और इसके वेबसाइट पर जाइएगा तो देखिए न्यू अपडेट है। तो देखिए, ये 8 तारीख तक डेट था अप्लाई करने का, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, 15 जून तक कर दिया गया है। तो अगर आप इसमें एडमिशन अगर बच गया है, छूट गया है, तो इसे अप्लाई कर दें। क्योंकि आपको पूछने से पहले ही मैं इस पे वीडियो लेके आ गया हूँ कि अगर आपको भरना है तो भर दीजिए, लास्ट डेट अपडेट हो गया है। क्योंकि इस तरह का मौका अब फिर नहीं मिलेगा कि अब जो एडमिशन होंगे वो UGC नेट और सेट के बेस, नेट और JRF के बेस पे होंगे। अभी सेट का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सेट का एलिजिबिलिटी माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। UGC नेट के बारे में ऐसा अपडेट है। अब जो 2024 का नोटिफिकेशन जारी होगा वो UGC नेट के 2024 में जो पास हो गए उन्हीं को एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। तो अगर PhD करने के आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अगर छूट गए हैं तो इसे अप्लाई कर दें। इसके अलावा कोई भी आपके जानने वाले हैं उन्हें भी ये इन्फॉर्म कर दें कि DDU में निकला हुआ है और लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। तो ये अपडेट था, छोटा ही अपडेट था, लेकिन लेके चले हैं क्योंकि बहुत से बाद में पूछने लगते हैं कि डेट क्या होगा। एक दो स्टूडेंट ने पूछा भी था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। तो ये रहा UGC नेट के बिना थ्रू एंट्रेंस टेस्ट PhD से अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए आप बने रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज पे, हर अपडेट आपको छोटा बड़ा लेके आते हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही लेकर मैं आता हूँ, जो नहीं लगता है इम्पोर्टेंट उस पर मैं वीडियो कम ही बनाता हूँ। थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं एक नए अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज और देखिए, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट ने पूछा था कि हमको रिसर्च मेथडोलॉजी का सर प्रिपरेशन कराइए, तो मैं रिसर्च मेथडोलॉजी का लेकर आ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका डिटेल्स में भी। थैंक यू वॉचिंग यूनिवर्सिटी न्यूज़।